नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन टेक गुरुकुल में। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है वन प्लस पैड गो के बारे में, जो कि एक बहुत जल्दी आने वाली टैबलेट है वन प्लस की तरफ से। इस वीडियो में इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन जानेंगे, लॉन्च डेट के बारे में जानेंगे, किस प्राइस पर यह टैबलेट आ सकती है वो जानेंगे, तो सारी की सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वन प्लस पैड गो के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम उन चीजों के बारे में जानेंगे जो चीज कंफर्म है, मतलब ये है कि ये चीज तो इस टैबलेट के अंदर को मिलने वाली है। फिर उसके बाद मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन शेयर करूंगा, जो कि दोस्तों अभी तक ऑफिशियली नहीं है, ये लीक्ड एक तरह से स्पेसिफिकेशन है, तो कुछ आइडिया आपको मिल जाएगा। बाकी इन फ्यूचर जैसी इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह कंफर्म होती है मैं दूसरी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों इसका डिजाइन देख लेते हैं, तो वन प्लस पैड गो आपको मेटेलिक लुक के साथ देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, ये एक मेटेलिक लुक के साथ आपको देखने को मिल सकती है टैबलेट। बैक में आपको इसमें सिंगल कैमरा देखने को मिल रहा होगा, जो कि दोस्तों प्रोबेबली यहां पर आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। फ्रंट में यहां पर आप इस टाइप से डिस्प्ले देख पा रहे होंगे। यहां पर दोस्तों ये डिस्प्ले जो होने वाली है ये 2.8 की डिस्प्ले होने वाली है, और यहां पर जो IPS टेक्नोलॉजी है उसका यूज किया जाएगा। तो यार आपको जो कलर्स वगैरह हैं ओवरऑल काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे, नेचुरल देखने को मिल जाएंगे। रिजोल्यूशन डेफिनेटली यहां पर हायर होने वाला है, आपको 2K और 2.8 के इस टाइप से रिजोल्यूशन देखने को डेफिनेटली मिलेगा। साथ में दोस्तों लीक्स के अनुसार खबर ऐसी भी निकल कर आ रही है कि OnePlus पैड गो के अंदर आपको हायर रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। अभी 90 हर्ट्ज होगा या फिर 120 हर्ट्ज होगा, इसकी कंफर्मेशन होनी अभी बाकी है, लेकिन दोस्तों डेफिनेटली आपको हायर रिफ्रेश रेट OnePlus पैड गो टैबलेट के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों डिस्प्ले का साइज अप्रोक्स 11 इंचेस का हो सकता है, तो यार काफी बढ़िया है, यहां पर आपको बड़ी डिस्प्ले साइज देखने को मिल जाएगा, और फ्रंट के अंदर आपको 5 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से दोस्तों कुछ ये OnePlus पैड का फॉर्म फैक्टर होने वाला है, और यहां पर आपको कैमराज और डिस्प्ले कुछ जैसे मैंने बताया ये आपको इस टाइप से देखने को मिलेगी। बाकी यहां पर आपको ट्यूब लेंस शील्ड का सर्टिफिकेशन कंफर्म हो गया है, इस टैबलेट के अंदर ब्लू लाइट फिल्टर वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस टाइप से दोस्तों डिस्प्ले कुछ इसके अंदर होने वाली है। बाकी दोस्तों बात करें OnePlus पैड गो के प्रोसेसर के बारे में, तो ऐसा बताया जा रहा है कि यहां पर दोस्तों मीडियाटेक की तरफ से आने वाला डायमेंसिटी का 1080 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। अभी ये कितना सच है इसकी कंफर्मेशन नहीं है दोस्तों, जो मैंने इसकी डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन बताई वो आपको ऑलमोस्ट कंफर्म देखने को मिल जाती है, लेकिन यहां पर जो प्रोसेसर है यही यूज होगा या फिर कोई और होगा इस चीज के भी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन दोस्तों डेफिनेटली ये तो है कि यहां पर आपको मीडियाटेक की तरफ से आने वाला प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। तो ये बजट लेवल का चूंकि एक टैबलेट होने वाला है, तो यहां पर जो आपको एक तरह से स्पेसिफिकेशन मिलेगी वो भी आप एवरेज सी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब ठीक ठाक यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। बाकी दोस्तों जो यहां पर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी वो भी आपको एक नॉर्मल लेवल की देखने को मिलेगी। तो हो सकता है ये चिपसेट इसके अंदर आपको देखने को मिले, क्योंकि एक ऑक्टा कोर सीपीयू और काफी अच्छा मिडिल एक तरह से मिड रेंज का सीपीयू आपको देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों इसके अंदर आपको हो सकता है कि 64GB इंटरनल स्टोरेज और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाले बैंड्स आपको देखने को मिले। रैम में यहां पर आपको 4GB की रैम और 6GB की रैम देखने को मिल सकती है, जो कि LPDDR4 टेक्नोलॉजी के साथ में आएगी, तो यहां पर आपको अच्छी खासी रैम स्पीड्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों बढ़ते हैं बैटरी के साइज की तरफ, तो अभी दोस्तों कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि 5000mAh की बैटरी का यहां पर आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता बैटरी एटलीस्ट यहां पर आपको 7000 से 8000 की डेफिनेटली देखने को मिलेगी, क्योंकि OnePlus ऐसी बेवकूफी नहीं करेगा कि यहां पर इतनी कम बैटरी दे। बाकी देखते हैं जो भी होता है, लेकिन एक चीज यहां पर बैटरी के टर्म्स में भी कंफर्म है कि दोस्तों यहां पर आपको सुपरबुक चार्जिंग का सपोर्ट देखने को डेफिनेटली मिलेगा। अब ये 33W की होगी या फिर 60W की होगी या फिर आपको 100W की देखने को मिलेगी, इस चीज की भी कंफर्मेशन नहीं है, बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों डेफिनेटली यहां पर OnePlus का पैड है, तो यहां पर आपको सुपर चार्जिंग स्पीड्स देखने को मिलने वाली है, और काफी बढ़िया है, एक तरह से कूल भी रहता है, साथ साथ जब चार्जिंग होता है आपको हीटिंग वगैरह नहीं देखने को मिलेगी, तो इस टाइप से यहां पर आपको कुछ बैटरी देखने को मिल सकती है। बाकी दोस्तों यहां पर आपको कोई भी 4G का सपोर्ट नहीं देखने को मिलने वाला, ऐसा अभी लीक्स के अनुसार निकल कर आ रहा है। ये पिछली बार मेरे से गलती हो गई थी रियलमी पैड के दौरान, जब मैंने आपको बता दिया था फिर काफी लोग बोल रहे थे नहीं तो इसके अंदर तो 4G आया है, लेकिन दोस्तों ये चीज कभी भी हो जाती है, हम लोग आपको पहले इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर अभी कंफर्म नहीं है कि 4G नहीं आएगा, लेकिन डेफिनेटली चांसेस काफी ज्यादा हैं कि 4G यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि OnePlus का जो ऑफिशियली OnePlus पैड आया था उसके अंदर भी आपको जो 4G है 5G है वो देखने को नहीं मिल रहा है अभी करंटली इंडिया में। तो यहां पर भी दोस्तों डेफिनेटली चांसेस हैं कि यहां पर आपको 4G का सपोर्ट, नेटवर्क सेलुलर का सपोर्ट देखने को ना मिले, तो यार ये थोड़ी सी डिसअपॉइंट करने वाली चीज है। बाकी यहां पर आपको ड्यूल बैंड वाईफाई तो देखने को मिल ही जाएगा, ब्लूटूथ का
ऑब्डेन 5.3 देखने को मिल जाएगा। बाकी टाइप सी पोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर दोस्तों इजी तरीके से आप ओटीजी के थ्रू यहाँ पर अलग अलग एसेसरीज कनेक्ट कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर दोस्तों आपको डेफिनेटली क्वाड स्पीकर्स का सपोर्ट देखने को मिल सकता है जो कि अच्छी खासी साउंड क्वालिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो स्टेप से कंप्लीट आपको वन प्लस पैड देखने को मिल सकता है, वन प्लस पैड गो बेसिकली। बाकी दोस्तों यहाँ पर इसकी लॉन्च डेट सामने आ गई है और दोस्तों ये इंडिया में एक्सक्लूसिव 6 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है। तो यार काफी इंटरेस्टिंग टैबलेट ये होने वाला है। अब इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो ये अप्रोक्स दोस्तों 20,000 रुपीस की रेंज में टैबलेट आएगा। अब यहां पर दोस्तों स्टाइलस का सपोर्ट होगा नहीं होगा इस प्राइस रेंज में वो देखने वाली बात होगी। अगर स्टाइलस का भी सपोर्ट देखने को मिलता है तो डेफिनेटली टैबलेट दोस्तों काफी बढ़िया मार्केट में डिस्ट्रप्शन लाने वाली है। तो देखते हैं बाकी दोस्तों कैसी ये टैबलेट होगी। 6 अक्टूबर को इसकी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन सामने आ जाएंगी। इससे पहले भी अगर ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन कुछ निकल कर आती है तो मैं वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप दोस्तों OnePlus Pad Go के बारे में ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस देखने के लिए थैंक यू सो मच।